राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत होली त्यौहार के मद्देनजर नोबेल एकेडमी फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग के तत्वावधान में विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा दृष्टि से चलाए जा रहे हैं अभियान के क्रम में कानपुर एडविल्स प्राइवेट लिमिटेड मयूर रिफाइनरी में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन विषय पर एक प्रशिक्षण व मॉक ड्रिल आयोजित की गई। शिविर का शुभारंभ मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज गुप्ता ने किया। प्रशिक्षण लखन शुक्ला मुख्य प्रशिक्षक, आपदा प्रबंधन शुभम त्रिपाठी डायरेक्टर फायर कॉलर्स ने दिया। लखन शुक्ला ने बताया कि ड्रिल के दौरान काल्पनिक केमिकल फायर की वास्तविक आग की वास्तविक फायर फाइटिंग किया गया, जिसमें कंपनी की फायर सेफ्टी टीम, रेस्क्यू टीम, प्राथमिक उपचार टीम व साइड सेफ्टी टीम ने अपना प्रदर्शन किया। लखन शुक्ला ने बताया कि सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग मॉक ड्रिल के माध्यम से करते रहना चाहिए, जिससे उपकरणों की क्रियाशीलता पता चलती है। लखन शुक्ला ने बताया कि किसी घटना के 3 कारण लापरवाही, अज्ञानता, जल्दबाजी होते हैं। शुक्ला ने बताया कि आग ऑक्सीजन, ईंधन तथा उचित ताप के मिलने पर ही लगती है। इन 3 तत्वों में किसी एक को कम या हटा दें तो आग पर काबू पाया जा सकता है। इस अवसर पर मनोज शर्मा, मृदुलेंद्र सिंह, प्रवेश तिवारी, राजीव श्रीवास्तव, एस मेहता, ए के राव, अभिषेक मिश्रा, धर्मेंद्र सिंह राजपूत, फायर सुपरवाइजर आशुतोष शुक्ला, प्लांट के कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी आदि उपस्थित रहे। देखिए रिपोर्ट। मैं लखन शुक्ला, मुख्य प्रशिक्षक आपदा प्रबंधन कानपुर। आज यहाँ पर कानपुर एडवेंस प्राइवेट लिमिटेड रनिया कानपुर देहात में मयूर की फैक्ट्री है। यहाँ पर मयूर ग्रुप द्वारा आज राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया है।